गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ में आप डिस्कस कर रहे थे कल अबाउट द क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। पंजाबी की बोलते हैं ना सी क्रियात्मक समूह, बड़े क्रियात्मक समूह कल पढ़िया सी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तेजाब। तुम याद होएगा मैंने दस्या कि चेन के अपने को OH लग्या होंगे तो की होंगे, सॉरी OH लग्या होंगे तो की होंगे अपने को अल्कोहल। एल्डिहाइड की होंगे सिंगल बोंड C, डबल बोंड O, सिंगल बोंड H, CHO कह दें। तो कीटोन की होंगे किसी भी चेन के सेंटर के वाले कार्बन के, ठीक है ना, कि लग्या होंगे डबल बोंड O लग्या होंगे। और कार्बोक्सिलिक तेजाब की होंगे बच्चे अपने को सी डबल बोंड O, सिंगल बोंड OH, एक ही अपने को कार्बोक्सिलिक तेजाब है, ठीक है बच्चे। तो मैं दस्या कि पिछे पिछेत्र का मतलब है कि सफिक्स लगती, सफिक्स का मतलब है वर्ड रूट के एंड ते नाम लगता, जिम्मे कि मैं समझाती हूँ। उस तो पहले आप देखते हैं एक होर जिस अपने को हैलोजन, हैलोजन के होंगे बेटा आप सारे ने चैप्टर नंबर 5 पढ़िया बेटा। 5 चैप्टर के अपने को 17th ग्रुप के जिन्हें भी अपने एलीमेंट्स है उन्होंने की बोलते हैं असं हैलोजन। हैलोजन है कि जिन्होंने लास्ट के की अपने को लास्ट वैलेंस शैल के 7 इलैक्ट्रॉन्स होंगे, उन्होंने विलेंसी कितनी होंगी है -1, ठीक है ना। बड़ा उन्होंने आप प्रीफिक्स लगाने, प्रीफिक्स का मतलब कि नाम के अगे लगाने। जो क्लोरीन आता तो बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन बोलते हैं ब्रोमो, फ्लोरीन बोलते हैं फ्लोरो, एटसेट्रा। किमें बोलना बच्चे लैटस सी अपने को बच्चे देखो एक कंपाउंड बनया हुआ है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब कि हो गया अपने को प्रोप, ठीक है ना। ए क्लोरीन भी लगे बच्चे तो आप कहोंगे क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। हूँ क्लोरो क्यों किया, क्लोरीन लग्या हुआ है, प्रॉप क्यों किया बिकॉज तीन कार्बन अपने को, एन क्यों किया बिकॉज सिंगल बोन प्रेजेंट है, ठीक है ना। उस तरीके देखो बच्चे इतने भी लिखा ब्रोमोपेंट्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन के है तीन कार्बन है तो प्रोप हो गया अपने को, ठीक है ना, सिंगल बोनस है तो एन हो गया, ठीक है ना। नाल की लग गया ब्रोमीन तो की कहोंगे ब्रोमोप्रोपेन, तो ब्रोमो की अपने को प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है मतलब पहला आने वाली। पर इतने देखो अपने को तीन कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब प्रॉप है ना, तो ये की लगे हुआ कोई सिंगल एच लगे हुए, कोई होर चीज़ तो लगी नहीं प्रीफिक्स के सफिक्स की लगे पे ओ एच, ओ एच का मतलब की होंगे बेटा अपने को ओल, तो की बन जाएगा प्रॉप एन है ना, एन का ई कटांगे। जो भी अपने कोई फंक्शन ग्रुप लगाना जो अपने को वोवल तो स्टार्ट होंगे हो आई ओ यू तो की लगाना अपने ई कट के ओ एल लगाता, प्रोपे नोल बन गया, कि बन गया प्रोपे नोल। उस तरीके आप अगे देख पा रहे हैं बेटा प्रोपे नल बनया हुआ है, प्रोपे नोन बनया हुआ है, प्रोपे नोइक एसिड बनया हुआ है, किमें बने हुए हैं सिर्फ फंक्शन ग्रुप के नाम तो अपने चेंज करता, ठीक है बेटा। बट अपना मेन काम मेरा अगर क्वेश्चन डिस्कस करना था कि आप देख सकी कि आपको किन्ना समझ आया, ठीक है ना बेटा। हुण कहिंदे पेंटेन दे तुसी किन्ने बनतरी समंगक बना सकते हो, ठीक है ना, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द पेंटेन। हुण तुसी मैनूं समझाया सी बच्चे पेंटेन दे विच की हुंदा अपने कोल 5 कार्बन है, ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 5 कार्बन बनेंगे अपने कोल। हुण 5 कार्बन दे विचों की करना है बच्चे, जे आपां एक नूं नीचे लियाईए, ठीक है ना, तो एक समंगक बन जाएगा, मतलब एक अपने को आइसोमर बनेगा। जे आप एक उपर नीचे रही तो भी अपने एक आइसोमर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब की है पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, सिंगल चेन है नॉर्मल है तो की बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। जे अपने को एक नीचे तो की बोलेंगे आइसो पेंटेन, तो एक उपर नीचे की बोलेंगे अपन नीओ पेंटेन। बड़ा बनाना बड़ा सौखा है, तुम किमें करना। उस तो बाद देखो ए को एक बोंड प्रेजेंट है, तीन होर चाहिए हैं CH3, ये को दो है एक हो, दो होर चाहिए हैं, ये को दो है दो होर चाहिए हैं, दो तो दो होर चाहिए हैं, एक है तो तीन होर चाहिए हैं। आपको पता ना कि जो कार्बन है अपने को 4 बोंड्स बनाता है, ठीक है ना बेटा। तो आप इदा करके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को इतने है बेटा, ये को 4 बोंड्स कार्बन को है, तो कार्बन कोई होर एच की जरूरत नहीं है, H3 तो किन्ने पॉसिबल हो गए अपने को पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नीओ पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नीओ पेंटेन, ठीक है ना। पर नैक्सट क्वेश्चन है कहिंदे कार्बन दे ओह गुण केड़े हन जिहदे करके साढ़े आले दुआले चार चुफेरे कार्बन यौगिक वड्डी संख्या दिखाई देती है। बड़ी याद रखना है कार्बन जिहड़े वर्सटाइल एलीमेंट कौन बनाउंदा है, कार्बन दो चीज़ां बनाउंदियां अपनी, पहली चीज़ हैगी है टैट्राकोवलेंसी, ठीक है ना, दूसरी की अपने को कैटीनेशन, ठीक है ना। टेट्राकोवलेंसी मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म द 4 कोवलेंट बोंड, टेंडेंसी टू फॉर्म द 4 कोवलेंट बोंड। और कैटीनेशन की होंगी है बच्चे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, बाय विच कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड। क्लियर अबाउट दिस बच्चे। हम आप अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन से, कहने साइक्लोपेंटेन
साइक्लोपेंटेन का सूत्र ते इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना की है। बहुत ध्यान देखो बच्चे, साइक्लोपेंटेन का सूत्र की है ते इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना की है। भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना भी डिस्कस करनी सी बेटा, आप हूँ दस दी मैं साइक्लोपेंटेन बनाना है बेटा, आपने साइक्लोपेंटेन ठीक है ना। पहला आप लिख लो साइक्लोपेंटेन। हूँ साइकिल का मतलब की है बंद, ठीक है ना। पेंटेन का मतलब की है पांच कार्बन वाला, ठीक है। तो की करांगे आप, बंद पांच कार्बन की चेन बना लो, ठीक है ना, जो मैच बनाते हैं। तो की बन गया अपने को, एक पेंटागन बन गया बेटे। हूँ देखो बेटा, हर एक पास एक कार्बन लगा दो, ठीक है। लगाता हर एक दो दो बॉन्ड सा बनिया दिख रही है अपन, एक एक दो दो है ना। आप क्या करना, दो दो एच लगा देने हैं, ठीक है बेटे। दो दो एच लगा के इनू कंप्लीट कर दो, ये बन गया अपने को साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। हूँ करना बच्चे असं इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ध्यान नाल देखियो वो किवें बनता है, ठीक है ना बच्चे। हूँ हर एक कार्बन अद्धे ड्रॉ कर लो, एक दो तीन चार ते पांच, ठीक है ना। पांच कार्बन ड्रॉ कर ले बेटा आपने। हूँ आप करना है ना डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, किवें बनावेंगे लेट सी। हूँ इस कार्बन के कोल देखो बच्चे, पहले कार्बन के कोल किन्ने हैं, दो चार कन्फिगरेशन है, मतलब कि चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शैल दे विच प्रेजेंट है। एक ने इधर शेयर करना है बेटे, एक ने इधर शेयर करना है, दो शेयर करने हैं हाइड्रोजन के नाल, ठीक है ना। इस तरीके ना एक ने इधर शेयर करना है, एक इधर शेयर करना है, दो शेयर करने हैं हाइड्रोजन के नाल। फिर उदा ही वन टू वन टू वन, ठीक है, टू ते वन टू, वन टू ते वन टू, है ना। ਇੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਹੈਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੰਦੂ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਟਾਫਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਬਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ। ਬੜਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਕੋਲ ਛੇ ਅੱਠ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ, ਤਾਂ ਅੱਠ ਦੇ ਅੱਠ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਰਚਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆ, तीन चार पाँच छः सात अठ, तो पूरा उन्होंने शेयर कर लेंगे, एक ही बन जाएगी अपने को बिंदु रचना। इस तरीके नाल बनाते बनाते असं करांगे बिंदु रचना कंप्लीट करांगे, ठीक है बेटा। क्लीयर अबाउट दिस एवरीबॉडी। जिहड़ी बिंदु रचना हुंदी आ किवें बनाउंदे आ, किसी भी अपने एलीमेंट का की करना है, पहला बना रेखा चित्र बनाना है, आ चित्र बना लिया बच्चे असं अपना, ठीक है ना। उस तो बाद करना है असं इन डॉट स्ट्रक्चर के रूप के रीप्रजेंट करना है। डॉट स्ट्रक्चर किवें बनाई है, किसी भी एलीमेंट के, ठीक है ना, लास्ट के किन्ने इलैक्ट्रॉन है उन्होंने तुम बना लो, ठीक है। उस किन्ने हाइड्रोजन कंप्लीट करो, जिमें सपोज करो बच्चे असं मिथेन बनाना है, मिथ का एन बनाना है, ठीक है ना। मिथेन का मतलब, मिथ मतलब एक, एन का सिंगल बोन्स वाला। हूँ एको कार्बन है अपने को, हाइड्रोजन किमें पूरे करते हैं आप, हाइड्रोजन सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन का अपना, एक कार्बन का, एक अपना एक कार्बन का, एक अपना एक कार्बन का। हूँ कार्बन के कोल की अठ इलेक्ट्रॉन चाहिए है, दो ते दो चार, दो छे दो अठ, आ बन गया अपने को बिंदु रचना। इन की बोल देने असं बिंदु रचना, कि बिंदु रचना दिखाई गई है, यह मिथेन की। क्लीयर अबाउट दिस बच्चे। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा, केंद्र हेठ लिखे यौगिकां दी रेखा चित्र बनाओ। इथेनोइक एसिड, पहला अपने को है इथेनोइक एसिड, बड़ा इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो की करांगे, किवें बनावांगे स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बनाना है। इथ मतलब की है बेटा, दो कार्बन। ओइक एसिड का मतलब की है, डबल बोंड ओ, सिंगल बोंड ओ एच, है ना। तो पिछे की बाजी अपने को इस कार्बन के भी बोंड बनानी है अपने। हूँ इस कार्बन को सिंगल बोंड है, एच तीन हो जाएंगे, ये को एक दो तीन चार बोंड ऑलरेडी कंप्लीट है। इसका मतलब की बन जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द इथेनोइक एसिड, की बन जाएगा स्ट्रक्चर फॉर द इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। पर नैक्सट दिखाया गया ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है अपने, की बनाना है ब्रोमोपेंटेन। हूँ ब्रोमोपेंटेन की बनेगा, ध्यान ना देखो बच्चे, ब्रोमो पेंटेन। पेंट का मतलब की होंगे, पांच कार्बन, एक दो तीन चार ते पांच, ठीक है ना। ब्रोमो का मतलब की है कि ना ब्रोमीन लग्या होया, ठीक है बेटा। बाकियों के सिंगल बोंड तो प्रेजेंट होएगी, पेंटेन है तो सिंगल बोंड होएगी, ठीक है। आप एच लगा देंगे, एच किन्ने आएंगे, तीन, एच दो, एच दो,
एच दो ते एच दो एक ही बन गया अपने को स्ट्रक्चर की ब्रोमो पेंटेन का, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर द ब्रोमो पेंटेन। बट मैं तुम्हें जानबूझ के क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हाँ ताकि आप आराम के स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीख सकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस अगर अपना चली जाएगा ठीक है। बट आप यह पार्ट जो है बहुत ध्यान देना डिस्कस करना है, एको बार समझ आ जाता है ठीक है ना। बट अगला अपना ऐप है थर्ड इन्होंने ब्यूटेनोन। हूँ देखो ब्यूटेनोन क्यों बनेगा, ब्यूट एनोन है ना, ब्यूटेन वन कह दें आप, ब्यूटेन ऑन कह दें, वन एंड सेम थिंग। हूँ ब्यूट का मतलब की है बच्चे अपने को चार कार्बन है, ब्यूट मतलब एक दो तीन ते चार कार्बन ठीक है ना। हूँ नोन का मतलब की है, किटोन है अपने को, किटोन का मतलब है किसी भी कार्बन के सेंट्रल कार्बन के ऑक्सीजन लगा दिए ठीक है ना, की बन गया अपने को किटोन। हूँ देखो एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, तीन लगाते, ये को एक दो तीन चार प्रेजेंट है, कोई एच की जरूरत नहीं है। ये को है दो हैगी हैं, दो बोन्स होर लगा दो, एक हैगी है तीन होर लगा दो, की बन गया अपने को ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन मतलब किटोन, जिससे अपने को चार अपने को कार्बन जोड़े है वो प्रेजेंट हैगे है ठीक है ना बेटा। अपन नैक्स चलते हैं बेटा, उन्होंने बनाया हुआ है हैक्सेनल, उन्होंने बनाना है अपने हैक्सेनल, हैक्सेनल ठीक है ना, हैक्सेनल पहले बनावे हैक्सेन नल ठीक है ना। इसका मतलब की है हैक्स का मतलब सिक्स कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, सिक्स कार्बन का मतलब है हैक्सेन अपने को। एल्डिहाइड का मतलब की है डबल बोंड ओ सिंगल बोंड एच, एक गल याद रखनी है जिस डबल बोंड ओ सिंगल बोंड ओ एच पावे तो यह ओइक एसिड है, अदरवाइज की अपने को एल्डिहाइड है ठीक है ना। फिर करांगे बच्चे एक बोंड हैगी है तीन होर, दो हैगी हैं दो होर, दो हैगी हैं दो होर, टू टू ठीक है ना, इदा बना के की बन गया अपने को हैक्सेनल का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो गया ठीक है ना। तो बच्चे असी कंप्लीट किया दी स्ट्रक्चर ठीक है, इथनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हैक्सेनल ठीक है। पर नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखे यौगिका का नामकरण किवें करोगे, मैं बुक तो ही कर रही हूँ थोड़े वास्ते ठीक है ना। हेठ लिखे यौगिका का नामकरण किवें करोगे, पर नामकरण करना अपा ने पहली गल देखो इस ब्रोमीन लग्या होया ठीक है ना, जो ब्रोमीन अपने को है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब की अपने को पहला आंदा है, तो आप कहोंगे इनू नाम बनावे ब्रोमो, फर्स्ट लिखोंगे ब्रोमो, पर किन्ने अपने को कार्बन है दो है ना, इसका मतलब क्या होगा इथ ठीक है ना, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन की नाम बन जाएगा ब्रोमो इथेन। हूँ मैं एन क्यों लिखी है, सिंगल बोंड प्रेजेंट है ठीक है ना। पर नैक्सट देखो अपने को इतने की है एक कार्बन कला प्रेजेंट है ठीक है ना, एक कार्बन का मतलब होंगे अपने को मिथ है ना, तो इस नाल की लग्या पे डबल बोंड ओ सिंगल बोंड एच लग गया, इसका मतलब की है एल्डिहाइड ता मिथ एन है ना, एन ता पाया अपने बिकॉज सिंगल बोंड है, सिंगल बोंड किस है कार्बन के, कार्बन तो कला ही है, सिंगल बोंड ही मन के चलेंगे तो बन जाएगा मिथेनल। एन दे विच आपां ई नहीं पाना, की पाता अपन ने अल पाता तो की बन गया अपने को मिथेनल। क्लीयर अबाउट दिस बच्चे, हुण आपां नैक्सट चलते हैं, नैक्सट कंपाउंड की है अपने को सी बच्चे, नैक्सट की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अपने को छे हैगे है कार्बन ठीक है ना। हुण छे कार्बन दे विचों बड़े लास्ट कार्बन दे देख रहे हैं आपां कि ट्रिपल बोंड लगी पी है, जो ट्रिपल बोंड आ गया मतलब की है वह आइन बन गया ठीक है ना। हुण देखो एक दो तीन चार पाँच छे, छे की हुंदा अपने कोल हैक्स ठीक है ना, क्योंकि ट्रिपल बोंड लगी तो की कहोंगे इनू आइन, तो की बन गया हैक्साइन, की बन गया हैक्साइन। बड़े ध्यान दे नाल बच्चे अपना नामकरण करना है, आप सिर्फ की देखना है किन्ने कार्बन, उन्होंने वर्ड रूट बोल दें ठीक है ना। जे अपने को ट्रिपल बोंड लगी है, फंक्शन ग्रुप लग गया, डबल बोंड लगी पी है तो पिछे लगता अपन ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं आप सफिक्स या फिर पिछेत्र। जे अपने को ब्रोमो क्लोरो वगैरह लगे हुए तो की लगेगा अगे लगेगा, उन्होंने की बोलेंगे आप अगेत्र या प्रीफिक्स ठीक है ना। तो बच्चे अपना कार्बन योगी रसायणिक गुण तक आप कंप्लीट कर लिया ठीक है ना। बिफोर दैट कि आप अगे डिस्कस करिए, सिर्फ अजनक पार्ट लर्न करना है और इस पार्ट तुम ध्यान रखना है, तुम्हें पता हो कि एल्डिहाइड की होंगे जिस सी डबल बोंड ओ सिंगल बोंड एच लग्या हो, किटोन की होंगे जिस सी दे उत्ते डबल बोंड ओ हो बट सी है चेन के विचकार हो ठीक है ना। बट टर्मिनल ग्रुप्स कहने आप लास्ट होंगे है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को टर्मिनल ग्रुप्स है, टर्मिनल मतलब की है हमेशा लास्ट आते, पहला नहीं विचकार नहीं आ सकते ठीक है ना। बट जेड़ा अपने कोल जिवें किटोन है ठीक है ना, एक ही अपने कोल नॉन टर्मिनल है, यह चेन के विचकार आते हैं, एंड्स उत्ते नहीं आ सकते ठीक है ना। तो बच्चे अपन पता होवे पहला कार्बन दे आप दस याद किए हैं सी वन तो लैके सी टेन तक, तुहानू वह याद हो ठीक है ना। फिर अपन याद हो कि ये पार्ट्स की है ठीक है ना, सारे सारे उस तो बाद ही आप अगे जा पावे। बट एक अपना टॉपिक रह गया से विचकार वो है समझाती लड़ी या होमोलोगस सीरीज ठीक है ना। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझाती लड़ी या होमोलोगस सीरीज की होंगी है। बड़ा समझाती लड़ी या होमोलोगस सीरीज तो भाव है अजि लड़ी
जिस विच कार्बन का जो नैक्सट हरेक चेन का नैक्सट कार कंपाउंड है, ठीक है ना, वह सी एच टू ग्रुप नाल डिफर करे या 14U मास नाल डिफर करे, ठीक है ना। हम आप इधर डिस्कस नहीं कर सकते, आप समझ के डिस्कस करते हैं इसका मतलब की है। पर आप हम चेन बनाने एन जी, मैं एलकेन की चेन बना रही हूँ, ठीक है ना। पहला आप लें मिथेन, की लें मिथेन, मिथेन का मतलब की मिथ मतलब एक कार्बन, एन का मतलब की अपने को सिंगल बोन, इको कला कार्बन है, चार बोन वास्ते अपने को सी एच फोर होएगा, ठीक है ना। पर नैक्सट बनाना है मैंने इथेन, फिर बनाना है मैंने प्रोपेन, फिर मैंने बनाना है ब्यूटेन, ठीक है ना। पर मैं सिंपली यूनिफाइड बनाने हैं, सौखे तरीके बनाने कि बना सकती हूँ। असी क्या कि होमोलोगस सीरीज की होंगी, समझाती रड़ी की होंगी, जिस नैक्सट मैंबर जोड़ा है उस 14U मास या सी एच दो ग्रुप ना डिफर करे। सी मतलब का मतलब की है, एक सी वधा दो बेटा, दो एच वधा दो, ठीक है ना। एक सी वधाओ, दो एच वधाओ, एक सी वधाओ, दो एच वधाओ, तो आप की देख रहे हैं, आप नैक्सट मैंबर प्राप्त कर सकते हैं। समझाती लड़ी की होंगी है, अजिही लड़ी जिस विच यौगिकां दा, ठीक है, नैक्सट मैंबर जिहड़ा हैगा अपने कोल उह सी एच टू ग्रुप नाल अंतर रखदा होवे, उहनूं की बोल दिंदे आं असीं, समझाती लड़ी या होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। समझ आ रही है बेटा। बड़ा सिर्फ इन्ना सिंपल कंपाउंड्स नहीं हुंदा, किसी कंपाउंड दे विच वी हुंदा। सपोज कर लो कि आपां मिथेनल बनाया, मिथेनल एल्डिहाइड है मिथेनल, ठीक है ना। तो फॉर्मूला की बनेगा, एक सिंगल कार्बन है, डबल बोन ओ एच एच, है ना, इसका मतलब सी वन है, एच टू है, तो ओ है ना, एक ही बन गया अपने को मिथेनल। हूँ जो मैं नैक्स बनाना है सी टू एच फोर, है ना, सी दो आएंगे, एच चार आएंगे, ओ एक ही बन गया अपने को इथेनल, ठीक है ना। सी टू सी थ्री एच सिक्स ओ की बन गया अपने को प्रोपेनल। इसका मतलब सिर्फ की है, होमोलोगस सीरीज अ सीरीज इन विच ईच नैक्स मैंबर डिफर बाय द 14U मास और सी एच टू यूनिट। मैं 14U मास बार बार बोल रही हूँ, मतलब की है सी एच टू ग्रुप जो अपने को है, तो पहला पढ़ चुके हैं आप क्लास 9 के, सी का जो अपने को अणवी पूंज है, कह लेंगे अपने को अटोमिक मास है, कि अपने को सी इज इक्वल टू 12, एच इज इक्वल टू 1, है ना। तो 1 × 12 प्लस 2 × 1, अब कटे ना मोलीकुलर मास याद हो 9th क्लास के, कि आ गया 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14U, है ना। इसका मतलब की है, जेडी सीरीज़ दे विच नैक्सट मैंबर जिहड़ा हैगा वो या तो सी एच टू ग्रुप नाल डिफर करे या 14U मास नाल डिफर करे, उन्हों की बोल देने असी होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज। बड़ा मैं अज लई इन्ना ही करवा रही हूँ, तुसी अज अपना ये टॉपिक जिहड़ा हैगा अपने कोल एल्डिहाइड कीटोन अलकोहल कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा चंगी तरह पढ़ना है, ठीक है ना। तो नाल दी नाल अपने क्वेश्चन है अज ही करने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी।